अभिनेता अतुल पांडे गुरुवार को प्रतापगढ़ की नेहा दुबे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। द ब्लू रूप में हुई इस शादी में बॉलीवुड और सियासत से जुड़े कई लोगों को बुलाया गया था। अभिनेता शाहबाज खान भी नजर आए इस शादी में, जहां शाहबाज खान इस जोड़ो को शादी की बधाई दी और अतुल और नेहा को एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की सलाह भी दी। बेटे की शादी में सबसे ज्यादा खुश नजर आए फिल्म निर्माता ब्रजेश पांडे। अभिनेता अतुल पांडे की पूरी फैमिली मौजूद रही इस शादी में, वही डांस गाने के साथ मंच पर आए अतुल और नेहा की जोड़ी। मीडिया से दहेज के सवाल पर अतुल के पापा फिल्म निर्माता ब्रजेश पांडे का कहना था, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मैं अपने घर बहू नहीं बेटी ले जा रहा हूँ। अतुल पांडे कई टीवी शो में काम कर चुके हैं। आने वाले प्रोजेक्ट सीरियल प्रतिज्ञा काजल की अपकमिंग मूवी फिरौती है। शाहबाज जी आए, शाहबाज जी के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि हुस्न वालों को इश्क का जवाब आया है, सितारों के साथ चल के चांद है, महताब आया है और अपने दिल की धड़कनों को हम थाम नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज हमारी महफिल में शाहबाज खान नाम का आफ्ताब आया है। शेर मैं भी सुनाता हूँ, वो एक मोहब्बत के ऊपर शेर है कि तू ढूंढ, सिर्फ उर्दू में है थोड़ा सा, समझ ले, तू ढूंढ फलक पे बाग इरम, मतलब तू आसमान के ऊपर जन्नत तलाश कर, तू ढूंढ फलक पे बाग इरम, अपना तो अकीदा है जाहिद, जिस खाक पे दो दिल प्यार करें वो खाक ही जन्नत होती है। वाह वाह, अब नेहा जी रह गई है, एक नेहा जी, आप भी बोल दो कोई शेर, बोल दो जी, बोल दो, थैंक यू, बोल दो कोई शेरी, बोल दो कोई भी शेर, गाना गाना, अच्छा शेर बोल दो, आपको समझ में बोल, नहीं नहीं शादी का बोल है, ऐसे क्या शादी का बोल है, दैट आई लव हिम वेरी मच एंड दैट्स इट। वाह, सबसे बड़ा जो है नेहा जी, एक हीरो की लाइफ में बहुत सारी हीरोइन होती है, तो किस तरह से आप, मैं इतना कह सकता हूँ मुझसे बेस्ट हीरोइन कोई नहीं होगी, इतना तो पक्का है। एक्चुअली इन फैक्ट शी इज माय डॉटर एंड इज माय सन इन लॉ, तो मैं तो यही हमारा रहेगा कि ईश्वर भगवान जो है हमेशा इनको हमारा जो प्यार है मिलता रहे और जहाँ गई है घर में उसको भी प्यार मिलता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। अखिलेश जी, अखिलेश जी सर, क्या कहना चाहेंगे बेटे की शादी में, कई सारे सेलिब्रिटी इतने बड़े शख्स आपके यहाँ पे आए हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना है? इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े लोग आए हैं, ये तो खुशी की बात है और सबसे ज़्यादा खुश इस बात का हूँ कि मेरे बेटे का शादी हो रहा है और बहू भी हमको उस तरीके का मिला, इसलिए हमें बहुत ही खुशी। आप घर एक बेटी को ले जा रहे हैं, बहू ले जा रहे हैं? मैं एक बेटी ले जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा बोला हूँ कि मैं बहू नहीं एक बेटी ले जा रहा हूँ। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे दोनों? यही है कि दोनों हमेशा खुश रहें और इनकी जीवन बहुत हमेशा खुशहाल ही इनकी लाइफ चले। क्या यहाँ से हटके एक क्वेश्चन है, जिस तरह से प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद में जो सीन हुआ है, जो एक ऐसी इतनी गलत जो वहाँ पर हुआ है जिसके बारे में बात करना भी बहुत शर्म की बात है, भारत में रहते हुए एक लड़की सेफ नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है किस तरह के कड़े कानून होने चाहिए? कड़े कानून क्या है, उन लोगों को तो सड़क पे उतार के नंगा करके पब्लिक के सामने या तो जला देना चाहिए या उन सबको पेड़ से टांग के पत्थर मार के मार देना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ये क्या है जेल के पीछे ढाक के चेहरा रखे हुए, ये सब ये क्या कानून, मेरी समझ में नहीं आता। अभी इंडिया में ही ये कानून है, बाकी सारा कोई भी नेशन आप देख लो, रेप की जो सज़ा है कैपिटल पनिशमेंट इमीडिएटली,